आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से एक दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। इस वारदात में एक शख्स ने अपने पड़ोसी के परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी के सिर पर खून कुछ ऐसा सवार था कि उसने 6 महीने के बच्चे को भी बड़ी बेरहमी से कत्ल कर डाला। वारदात 15 अप्रैल सुबह की है, जब विशाखापट्टनम के जुताड़ा गांव से पुलिस को खबर मिली कि एक मकान में 6 लाशें पड़ी हुई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस का दिल भी उस मंजर को देखकर दहल गया। मरने वालों में 60 साल की महिला से लेकर 6 महीने तक का बच्चा शामिल था। सामूहिक हत्याकांड के बाद इस वारदात के आरोपी संजय नाम के शख्स ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस के मुताबिक संजय और उसके पड़ोसी के बीच साल 2018 से विवाद चल रहा था। विजय पर संजय की बेटी से बलात्कार का इल्जाम था और इस मामले में विजय को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि उसे जमानत मिल गई और मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। पुलिस के मुताबिक अपनी बेटी के बलात्कार का बदला लेने के लिए संजय ने न केवल विजय की पत्नी और 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, बल्कि परिवार की दूसरी महिलाओं को भी बेरहमी से मार डाला। वारदात के वक्त विजय घर पर नहीं था और वो इस वारदात में बच गया। विशाखापट्टनम में हुए इस हत्याकांड से लोग सहमे हुए हैं और हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि जब आरोपी की दुश्मनी विजय से थी तो मासूम बच्चों और परिवार को इतनी बेरहमी से मौत के घाट क्यों उतार डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।